Hello students, welcome here. So today we are discussing some very important terms related to the chapter 10, light. Okay, so welcome here. I think you all are good. So take care of yourself in this corona time. Everyone use mask, sanitizer, everything and stay home, stay safe. So let's start student. काफ़ी बच्चों के questioning भी आ रहे थे कि कुछ terms हैं जो हमें clear नहीं हो पा रही हैं. ओके, सो मैं उसी को ठीक करने के लिए, समझाने के लिए आपके पार्ट्स लेके आई हूँ. इसमें हम एक या दो पार्ट्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम जो भी लाइट वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट लाइट. दिस इज द मेन क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अबाउट लाइट. हाँ जी, तो देखिए बेटा, क्योंकि लाइट का चैप्टर है तो आई होप आपको सबसे पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि लाइट क्या होती है. कुछ अगर आपको लाइट ही नहीं पता तो आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बिकॉज अगर आपको लाइट का कंसेप्ट ही नहीं पता होगा कि लाइट है क्या, पढ़ क्यों रहे हैं, हो क्या रहा है, तो व्हाट इज़ ए लाइट. तो लाइट की डेफिनेशन देखिए, मैं आपको जो मेन डेफिनेशन है इस चैप्टर की वो सारी याद कराऊंगी. आपको क्या करना है, ब्रिंग योर नोटबुक, पेंसिल. ओके, आप साथ साथ सारे डेफिनेशन को लिखोगे, ठीक है, और साथ साथ याद भी करोगे. मेरे साथ साथ मैं आपको याद भी कराऊंगी और आप साथ साथ लिखते भी जाएंगे और मैं आपको समझाऊंगी साथ साथ कि ये होता क्यों है, कैसे होता है. तो सबसे पहले सारे बच्चों को लाइट की डेफिनेशन याद करनी है. क्या याद करना है? लाइट की डेफिनेशन. उसको समझते हुए लर्न करेंगे हम, कोई भी रटेंगे नहीं किसी भी कंसेप्ट को. बिकॉज मेमोराइजेशन इज द रॉन्ग कंसेप्ट. आपको क्या करना है, हर चीज़ को लर्निंग बाय डूइंग. ठीक है, समझते हुए करना हर चीज़ को. सो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं लाइट. तो लाइट बेसिकली है क्या? सो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या है लाइट? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक एनर्जी का ही प्रकार है, एनर्जी की ही एक टाइप है. दैट प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ साइट. ओके, सॉरी, दिस इज साइट नॉट लाइट. ओके, सो साइट और यू कैन से इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अस अनेबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं उनको देखने के लायक जो हमें बनाता है वो कौन होता है? लाइट. कौन होता है? लाइट. क्लियर? सो लाइट. अच्छा, आप ये बताइए, मान लो आपके पास आईज है. हमने मान लिया एक पर्सन है जिसके पास आई तो है बट वहाँ पे डार्कनेस है, अंधेरा है, डार्कनेस है, तो क्या आप मुझे ये बताइए क्या वो बच्चा देख पाएगा? नहीं देख सकता, क्योंकि लाइट तो है ही नहीं. लाइट के बिना हम देख ही नहीं सकते, है ना? तो आपको क्या करना है, लाइट का कंसेप्ट समझते हो. तो लाइट एक एनर्जी तो हुई, वो क्या कर रही है? वो हमारी हेल्प कर रही है. किस में हेल्प कर रही है? किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प कर रही है. तो हमें देखने के लिए दो चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी, एक तो आई की नीड पड़ेगी और एक लाइट की नीड पड़ेगी. क्यों पड़ेगी? बिकॉज देखिए, अगर आपके पास लाइट है चलिए, बट आँखें ही नहीं है तो भी नहीं देख पाओगे, है ना? अगर आप अंधे हो तो आपके लिए लाइट का कोई फायदा ही नहीं है कि लाइट है या नहीं है. ओके, सो आपको क्या ध्यान रखना है, लाइट एक तरीके की एनर्जी है. बस जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो दिस इज साउंड एनर्जी. तो साउंड को आप कैसे डिफाइन करोगे? साउंड को अगर आपको डिफाइन करना, तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग. पर जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हो वो साउंड एनर्जी है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो वो लाइट है. ठीक है, तो ये सारी एक तरह की एनर्जी तो है. पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, अपनी अर्थ पे एनर्जी का ही तो रोल है. एनर्जी से तो सब कुछ हो रहा है. सो वो एनर्जी जिसके कारण आप देख पा रहे हो, तो वो एनर्जी कौन है? वो है आपकी लाइट एनर्जी. क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ओके, तो चलिए मेरे साथ साथ बोलिए सारे बच्चे. इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ साइट.
या आप ऐसे याद कर सकते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अस अनेबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, उनको देखने के लिए हम जिस एनर्जी का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, लाइट। हो गया सभी बच्चों को क्लियर? सबने राइट अप कर लिया? मैं चेक करूंगी सभी बच्चों का, ठीक है? राइट अप कर लिया, याद हो गया? साथ साथ याद करना, स्पेशली ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए जी, अब देखिए हमारी जो सिलेबस है 10th क्लास में, लाइट के दो कंसेप्ट आपके सिलेबस में हैं। एक आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक आपका कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? रिफ्रैक्शन आपका होता है लेंसेज में और ये आपका होता है मिरर्स में। मिरर्स चाहे वो स्पेरिकल हो, प्लेन हो या फिर मतलब कोई भी मिरर हो, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन आपका मिरर्स में होता है, रिफ्रैक्शन आपका किस में होता है, लेंसेज में होता है, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन का याद करा देती हूँ, कंसेप्ट भी समझाएंगे हम, साथ में आपको याद भी होता चला जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, लाइट क्या है बेटा? लाइट जिस में हम, जैसे कि आपकी साइंस होती है ना, साइंस के तीन पार्ट माने गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ऐसे फिजिक्स में भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, फिजिक्स के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, सिर्फ अकेले फिजिक्स नहीं है। जैसे आपके सिलेबस में है ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म भी है, ठीक है? EVS में आप और चीज ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। तो ये अभी हमारी जो फिजिक्स है ना, हम फिजिक्स का एक पार्ट पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑप्टिक्स के बारे में, तो ऑप्टिक्स क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या है ये? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का ब्रांच है, नॉट ब्रांच ऑफ साइंस। ये बात देखिए, आप ध्यान दीजिएगा इस बात की तरफ, ओके? तो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है आपसे ये टर्म, ठीक है? तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर। लाइट का बिहेवियर पढ़ते हैं, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ठीक है? लाइट का नेचर पढ़ते हैं, मतलब लाइट के बारे में जितना भी आप पढ़ेंगे वो सब किसके अंदर आएगा, ऑप्टिक्स के अंदर आएगा। तो फिलहाल मैं आपको ऑप्टिक्स ही पढ़ा रही हूँ, ऑप्टिक्स की मेन टर्म्स आपको बता रही हूँ, समझ गए आप मेरी बात को? और हमारे सिलेबस में सिर्फ रे ऑप्टिक्स है। रे यानी कि हम लाइट को बस एज ए रे लेंगे, वेव नेचर इज नॉट इन योर 10th क्लास सिलेबस। आपके 10th क्लास में सिर्फ क्या है, रे ऑप्टिक्स है, यानी कि लाइट को आपको एज ए रे कंसीडर करना है, नॉट लाइक ए वेव। आपको एज ए वेव कंसीडर नहीं करना है, आपको लाइक ए वेव कंसीडर करना, नॉट, ठीक है? आपको एज ए रे लेना है, सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया था। तो आपको एज ए रे कंसीडर करना है, नॉट लाइक ए वेव, क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। हाँ जी, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें भी कंफ्यूजन है, बच्चों को डेफिनेशन याद नहीं होती, तो चलिए हमने आपके डेफिनेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। देखिए आप साथ साथ लिखते रहिए और याद करते रहिए, द बाउंसिंग, BOUNCING, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, ठीक है? ठीक है, इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आएंगी, इनटू सेम मीडियम। इसमें मीडियम बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, यहां से एक आपका MCQ क्वेश्चन भी बनता है। हाँ, इन विच कंसेप्ट ऑफ लाइट द मीडियम इज नॉट चेंज। तो रिफ्लेक्शन में आपका मीडियम बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। मीडियम किस में चेंज होता है? मीडियम आपका चेंज होता है बेटा जी रिफ्लेक्शन में, ठीक है? सो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन टू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे बेटा जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी बच्चे, देखिए क्या करा है हमने, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए पॉलिश या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी भी पॉलिश सरफेस से, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर कोई लाइट टकरा के वापस आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो इसको हम अगर मैं आपको शो करूँ ग्राफिकली तो आप कुछ इस तरीके से समझिएगा। सपोज दिस इज योर प्लेन मिरर, ये हमने प्लेन मिरर को पॉलिश किया। ओके, और इसके मिड में आपको क्या लेना है, एक नॉर्मल लेना है। इसके मिड में ये क्या लिया हमने, नॉर्मल। ठीक, एंड दिस इज अवर प्लेन मिरर। देखो क्या हमने इसको पॉलिश किया हुआ है, बिल्कुल पॉलिश किया हुआ है। तो ये क्या है, मिरर का पॉलिश्ड पार्ट। ओके, और ये इधर वाले को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ठीक है जी? हाँ जी। तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, इधर से कोई भी एक इंसिडेंट रे आएगी, हमने यहाँ पे क्या लेना है, एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है। बट हमें उसमें से बहुत सारी रेज निकलेंगी, बट हमें इतनी सारी रेज नहीं लेनी, हमें उसकी कोई एक रे चुरानी है, एक ही रे लेनी है, सारी रे नहीं लेनी है। ठीक है जी? हाँ जी। तो देखिए बेटा हमने कोई एक रे ली, तो जो सोर्स ऑफ लाइट से जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। कई सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि इंसिडेंट रे कौन सी होती है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है। ठीक है बच्चे? तो देखिए बेटा जो रे सोर्स ऑफ लाइट से आएगी, आ रही है, जो टकराएगी मिरर पे आके, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापिस जाएगी उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मीट हुई, मतलब जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके बच्चे, क्लियर है आपको? हाँ जी। तो देखिए बेटा क्या हो रहा है, देखिए आपको मैं यहाँ से एक नहीं कई डेफिनेशन कराऊंगी। सबसे पहले इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे विच फॉल ऑन द प्लेन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, द रे विच फॉल ऑन द प्लेन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। देन रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच बाउंस बैक फ्रॉम द प्लेन मिरर, जो मिरर से टकरा के वापिस गई उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, द परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आई रिपीट इट अगेन, यू राइट इट नाउ, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसकी बात करते हैं, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमने कितने डेफिनेशन सीख ली, देखो यहां से, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट बेटा, द पॉइंट एट वेयर लाइट इज इंसिडेंट, वो पॉइंट जहां पे लाइट आके टकराती है ऑन द प्लेन मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट एट वेयर लाइट कम एंड इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉलिश्ड पार्ट इज कॉल्ड सिल्वर्ड पार्ट। ठीक है, ये पॉलिश्ड पार्ट हो गया आपका, सिल्वर्ड पार्ट भी बोल सकते हो, एंड दिस इज अवर रिफ्लेक्टिंग पार्ट जिसमें आप अपनी इमेज देखते हो। ठीक है बेटा, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की डेफिनेशन ये हो जाएगी, प्लेन पॉलिश्ड, ध्यान
ध्यान से सुनिएगा. ए प्लेन पॉलिश्ड स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर. क्या डेफिनेशन बताई मैंने? ए प्लेन पॉलिश्ड स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर. हो गया सभी बच्चों को क्लियर? सारे डेफिनेशन क्लियर हैं जहां जहां यहां तक जितना भी हमने किया है, ठीक है बेटा? ओके. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपकी यही डेफिनेशन बनती है. यहाँ पे इस जो हमने ये नई सीरीज स्टार्ट करी है ग्लोसरी की, इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी मेन मेन टर्म्स है लाइट वाले चैप्टर्स की, जो भी मेन मेन थियोरेटिकल डेफिनेशंस है वो मैं आपको कराऊंगी बेटा, और साथ साथ डेफिनेशन को हम लिखेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे. दिस इज आवर मेन कंसेप्ट ऑफ दिस सीरीज. हमें साथ साथ याद भी करना है लिखते हुए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं बट भूल जाते हैं. भूलना नहीं है, याद भी करना है, समझते हुए करना है एक एक चीज को. ओके, सो नेक्स्ट करें आप. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक बार रिवाइज करा देती हूँ. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. द रे विच फॉल ऑन द मिरर इंसिडेंट रे. द रे विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर रिफ्लेक्टेड रे. द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. The plane polished smooth and reflecting surface is called plane mirror. The point at where incidence takes place is called point of incidence. Is it clear to you all? Okay, चलिए अब हम बात करते हैं इमेज के बारे में. So yes students, now we are talking about image. अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे इमेज के बारे में. Okay? हाँ जी बेटा, देखिए द पॉइंट व्यू इमेज होती क्या है. द पॉइंट व्यू, चलिए मैं आपको बताती हूँ. द पॉइंट व्यू ए नंबर ऑफ रेज द पॉइंट व्यू ए नंबर ऑफ रेज स्टार्ट फ्रॉम अनदर पॉइंट सारे बच्चे साथ साथ लिखेंगे भाई. एंड मीट आफ्टर या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन और यू कैन से रिफ्रैक्शन. ओके, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, ठीक है. इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट. इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट. देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. देखिए बेटा क्या होता है, इमेज होता है द पॉइंट वेयर ए नंबर ऑफ रे स्टार्ट फ्रॉम अनदर पॉइंट. जैसे कि मान लीजिए ये है हमारे पास एक प्लेन मिरर, ठीक है. ये क्योंकि मिरर तो तभी बनेगा जब हम इसको क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, ठीक है जी. मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे भी इसकी इमेज ऐसी ही बनेगी जो ये बच्चा है यहाँ पे, सेम इमेज बनेगी इस बच्चे की. हाँ जी, तो देखिए होता क्या है बेटा, इस पॉइंट पे जो रेज है आपकी, ये पॉइंट कैसे वर्क करेगा एज ए ऑब्जेक्ट. और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इसमें आपको इमेज दिखाई दे रही है ना, ठीक है. तो बेटा होता क्या है, देखिए जो इमेज बनती है ना बेटा, अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट हमारा काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट काम कर रहा है. तो यहाँ जो रे हैं वो कौन सी रे है, इंसिडेंट रे होंगी. यहाँ जो रे आएंगी वो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, ठीक है ना. तो ये क्या बोल रहा है, द पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे नंबर ऑफ रे स्टार्ट फ्रॉम अनदर पॉइंट. जैसे कि मान लो यहाँ से आपकी रेज निकलना स्टार्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई लाइट आई होगी, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी. क्लियर है सारी बातें, तो क्योंकि इल्यूमिनेटेड सरफेस नहीं है. अब देखिए यहाँ पे जो लाइट आएगी, ओके, वो कौन सी है, इंसिडेंट रे है, जिसमें से लाइट इस पे जाएगी और यहाँ क्या मिलेगा आपको, इमेज मिलेगा.
क्लियर है? ठीक है, तो ये जो इस पे लाइट गई आपकी वो कैसे बनेगा देखिए। हाँ जी बेटा देखिए, तो जैसे कि आपके पास मैंने बताया था ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको पता है जो भी मैंने रिफ्लेक्शन लॉ पढ़ी है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें यहाँ से आपकी लाइट अगर आउट हो रही है तो वो इस तरीके से जाएगी और वो यहाँ से क्या हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये आपको यहाँ पे आपकी आई में शो होगी, इसका मतलब पीछे कहीं ना कहीं ऐसे बन रही होगी, ठीक है। तो ये जो आपको इमेज मिलेगी ये कौन सी इमेज होगी, ये इमेज होगी आपकी वर्चुअल, ठीक है, कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल हो। ओके सो बेटा, हम अपने अब जब नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इमेजेस के बारे में, वहाँ पे मैं आपको वर्चुअल इमेज रियल इमेज की डेफिनेशन भी बताऊंगी। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।